हम खंडवा जिले के चांदनी गांव के पास खड़े हैं। ये जो है हाईवे है और ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे रोड का जो है पानी भरा हुआ है। रोड के उस साइड जो लोग हैं उधर रह गए, इधर वाले इधर रह गए, कोई भी इधर उधर नहीं जा पा रहा है। मैं ऊपर जो है खंडवा जिले का जो हसुख तहसील का गाँव है आशापुर, वहाँ पर लगभग 10 फीट के करीब पानी भर रहा है गाँव में। वहाँ बहुत सारी चीज़ें घूम रही है। हम लोग वहाँ कवरेज करने के लिए जाना चाहते थे, पर हम लोग भी जो है वहाँ से 25 किलोमीटर दूर पहले ही एक बार रुक चुके हैं, यहीं से पूरे रास्ते बंद हो चुके हैं। यहाँ लोगों का ये कहना है कि जीवन में पहली बार इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश उन्होंने कभी नहीं देखी। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे जो यहाँ के निवासी, उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार के पानी आया और क्या हुआ था। बताइए जो पानी है कितना पानी, इस प्रकार का पानी कब आया है? इसके पहले तो सर अभी तक देखा नहीं हमने पानी, फिर भी बहुत पानी गाँव को लग चुका है पानी। यहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ है? फसलें नुकसान हो रही है बहुत, घरों में पानी भर रहा है। कुछ प्रशासनिक मदद वगैरह कोई आई है? नहीं, यहाँ अभी कुछ भी नहीं आया है सर। हम और कुछ लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बता रहे हैं कि पूरा सा नुकसान हुआ है। यहाँ पर पानी का पहली बार इतना गिरा है, उसके बाद आज तक हमने इतना पानी नहीं देखा है। और यहाँ के किसानों की बहुत सारी ज़मीनें बर्बाद हो चुकी हैं, कुछ फसल जो बोई हुई थी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। गाँव में भी कुछ घरों में पानी जा चुका है अंदर, और आगे भी जो नदी साइड से जो खेत हैं उसमें भी कुछ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ग्रामीण बता रहे हैं कि इस बार पहली बार उन्होंने अपने जीवन में इतनी बरसात देखी है। पिछले 2 दिनों से जो लगातार बरसात हो रही थी उसके कारण आलम यह है कि गाँव में लोगों के घरों में पानी भर रहा है, रास्ते पूरे बंद हो चुके हैं। जो मुख्य मार्ग है मेन हाईवे है वो बंद हो चुका है, सारे रास्ते बंद है बारिश के कारण। बारिश का कहर इतना है कि लोग क्या ही मांग कर रहे हैं। जो लोग पहले पानी के लिए पूजा उपासना कर रहे थे भगवान की, वो अब दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बरसात रुके और लोगों का जनजीवन वापस पटरी पर आए। अजीत लाल, खंडवा।